मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स. स्टैंडर्ड 8th सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेटेड 28 सितंबर 2020. वन ऑफ द मैसेज यू कैन सी इजिली ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ योर स्कूल आदर्श भारती इंटरनेशनल स्कूल, तो वहाँ भी आप इसे देख सकते हैं आराम से कभी भी. सप्लीमेंट्री लेसन नंबर 5th है प्रिंसेस सितंबर. सितंबर जिसको आप हिंदी में सितंबर कहते, एक वर्ष के महीने का नाम है सितंबर. प्रिंस राजकुमार होता है, प्रिंसेस राजकुमारी सितंबर, यानी कि राजकुमारी का नाम सितंबर था. आप देखेंगे कि नामकरण एक समय ऐसा था कि नेताओं के नाम पर लोगों के नाम होते थे. भजनलाल भी देखेंगे, बंसीलाल भी देखेंगे, देवीलाल भी आपको गांव में मिल जाएंगे. एक समय ऐसा आया कि लोगों ने कलाकार, जो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, उनके नेम पर नाम रखने शुरू कर दिए. जितेंद्र हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, धर्मेंद्र हो गया, इस प्रकार के नेम भी लोगों ने रखे. उसके बाद आजकल नए नए नेम, जो इंटरनेट का ज़माना है, च्याऊ माऊ श्याऊ, पता नहीं किस प्रकार के नेम भी रखे हुए हैं आजकल. तो सो समरसेट मागम जो आपका राइटर है, राइटर चलो सप्लीमेंट्री में इतना जरूरत नहीं है 8th तक, तो प्रिंसेस सितंबर, ये राजकुमारी सितंबर क्या थी, इसके बारे में स्टोरी है. द किंग एंड द क्वीन ऑफ श्याम हैड मैनी डॉटर्स. पुराने ज़माने की बात है कि राजा और रानी, दोनों आप कैपिटल भी कर सकते हैं, किंग एंड क्वीन, राजा और रानी ऑफ श्याम, जो श्याम कोई प्रदेश है, जैसे हमारे हरियाणा इस प्रकार का कोई देश था, कि उसके बहुत सी लड़कियां थी. और पुराने ज़माने में जब आप के चाचा ताया, आप देखेंगे कि तीन चार बुआ होती है, तीन चार चाचे ताऊ होते हैं, तो इस प्रकार उस ज़माने में बहुत से बच्चे परिवारों में होते थे. हैड मैनी डॉटर्स, बहुत सी लड़कियाँ थी. द क्वीन वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. अब बहुत सी लड़कियाँ होगी तो रानी को क्या दिक्कत आ रही थी कि उनके नाम याद करने से, सामने कोई दिखाती तो उसको सोचना पड़ता था इसका नाम क्या है, इसका नाम सुनीता है, कविता है, जिस प्रकार के आजकल नाम हैं. द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम विद द नेम्स ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर. और राजा ने निश्चय किया कि इनका नाम है ना साल के महीनों के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि साल उनका फर्क तो था एज के अंदर, कि महीनों के नाम पर, साल के जो महीने हैं उन पर नाम रख दिया जाए. द यंगस्ट गर्ल वाज कॉल्ड सितंबर. सबसे जो छोटी वाली लड़की थी उसका नाम सितंबर था. द किंग हैड ए पेक्यूलियर हैबिट. और राजा की एक अद्भुत, हर इंसान की अद्भुत आदत होती है, तो उसकी भी एक अद्भुत विचित्र आदत थी. ही गेव गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे इन प्लेस ऑफ रिसीविंग देम. राजा की ये आदत थी कि बहुत से जिस प्रकार बर्थडे आजकल मनाते थे, उस तरह उस ज़माने में बड़े लोग मनाते थे, आजकल तो घरों में मनाने लगे, कि राजा के जन्मदिन पर वो उपहार लेने की बजाय उपहार देता था. वन ईयर ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन कैच. एक साल उसने अपनी बेटियों को एक सोने का जो पिंजरा था उसके अंदर एक हरे रंग का तोता सभी को दिया अपने जन्मदिन पर. द प्रिंसेस कैपिटल, प्रिंसेस मीन ये राजकुमारियाँ, राजकुमारियाँ टाट टू स्पीक इन मैनी लैंग्वेज. कहते हैं कि तोते को पढ़ाया गया और तोते को उन राजकुमारियाँ जो कि राजा की लड़कियाँ थी, इन्होंने उसे बोलना, कई भाषाओं में बोलना सिखाया. तो तोता तो कई बार आपने देखा होगा भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलती है. बहुत से लोग तोते घर में रखते हैं. एक तोते की कहानी थी कि राजा का तोता पाला हुआ था और एक पंडित रोजाना आता, इसी प्रकार सोने के पिंजरे में बंद था, और पंडित राजा को आशीर्वाद दे के जाता, और जो ही वो आशीर्वाद देकर राजा के कमरे से बाहर निकलता तो तोता पता है क्या बोलता, पंडित झूठ बोल रहा है. अब राजा भी हैरान, पंडित भी हैरान. भी पूजा पाठ नहा के करके आता था, बिल्कुल वो भजन करता था, आशीर्वाद देता था. ये कई दिनों तक प्रक्रिया हुई तो वो पंडित जी निराश हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि जो ही राजा के महल से यानी कमरे से बाहर निकले और वो आशीर्वाद दे
कि राजा की आयु लंबी हो, तो एकदम तोता कहता है ये पंडित झूठ बोल रहा है। अब पंडित ने एक बार अपनी पत्नी को कहा कि मेरे साथ तो ये बनी हुई है, राजा भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा एक बार तोते से बात तो कर लेते कि वो ऐसा क्यों बोलता है। तो एक दिन ज्यों ही पंडित जी गया कि राजा को तो चलो आशीर्वाद बाद में देता हूँ, पहले मैं तोते से बात कर लेता हूँ। पिंजरे में तोते को कहा, भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, जो ही मैं राजा के कमरे से बाहर निकलता हूँ आप कहते हो कि पंडित झूठ बोलता है। कहने लगा, मैं ये बात आपको कान में बताना चाहता हूँ, यदि क्योंकि दीवारों के कान होते हैं आपने सुना है, कि आपके मैं कान में ये बात बताना चाहता हूँ ताकि कोई सुन ना ले, और बहुत ही बहुमूल्य बहुत ही कीमती बात है आपके लिए। उस पंडित ने क्या किया कि पिंजरा खोला, तोता बाहर आया और बाहर आते ही कहा कि पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कहकर आसमान में उड़ गया। क्योंकि तोता तो पिंजरे में बंद था, तो तोते अनेक प्रकार के होते। नेक्स्ट क्या हुआ कि द प्रिंसेस स्टार्ट टू स्पीक इन मैनी लैंग्वेज। वन मॉर्निंग प्रिंसेस सितंबर फाउंड हर पैरट डेड इन हिज केज। केज होता है पिंजरा। एक दिन जो छोटे वाली बेटी थी जिसका नाम सितंबर है, उसने अपने उस तोते को जो पिताजी ने उपहार में दिया था वो मृत पाया। जबकि वो तोता सुबह उठाता था सितंबर या सभी रानियों को, रानी की आयु लंबी हो, सुप्रभात हो गया, आप उठ जाओ, इस प्रकार की बातें करता था, उदास होगा। सी वाज वेरी सैड एंड केप्ट वीपिंग ऑल द डे। वो बहुत उदास थी और पूरा दिन रोती रही। एट नाइट सी वाज पुट टू बेड विदाउट सपर। सपर होता रात्रि का भोजन। और रात को उसने खाना भी नहीं खाया। अंडरस्टूड है कि पक्षी या किसी से लगाव हो जाता है तो अंडरस्टूड है उदासी होती है। सी वाज सैड एंड फीलिंग हंगरी। वो बहुत उदास थी और भूखी भी महसूस कर रही थी कि दिन में भी रोती रही, रात को भी खाना। ऑल ऑफ अ सडन सी सॉ ए लिटिल बर्ड होप इन टू हर रूम। होप छलांग लगाते कूदते हुए। अचानक कमरे में सोई हुई थी, उदास थी, निराश थी, एक छोटा सा पक्षी उसके कमरे में कूद कर आया। द बर्ड बिगेन टू सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग। और कमरे में आते ही उस पक्षी ने गाना गाना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे गाने शुरू कर दिए। दिस मेड द प्रिंसेस हैप्पी। अब राजकुमारी जो सितंबर थी वो खुश हो गई। द लिटिल बर्ड बेग्ड हर टू गिव हिम द प्लेस ऑफ हर पैरट। और उस छोटे पक्षी ने याचना की, बेग्ड प्रार्थना की कि राजकुमारी आपके पास जो तोता था हरे रंग का, जो आपका पालतू था, वो स्थान मुझे दे दें और उसकी क्षतिपूर्ति मैं कर दूंगा। द प्रिंस सितंबर सोड द बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। और उसने वो स्थान दिया प्रिंस सितंबर ने, जो छोटा पक्षी कई भाषाओं में गाना गा रहा था, अपने पिता को दिखाया, अपनी राजा और रानी को दिखाया। दे बोथ प्रेज्ड द बर्ड वेरी मच। और उस पक्षी को देखकर, सुंदर रंग भी था, गाना भी अच्छा गा रहा था, उसकी प्रशंसा की। अदर सिस्टर्स वेंट टू प्रिंस सितंबर। और दूसरी जो बहनें थी उनको दिखाने के बाद वो भी प्रिंस सितंबर के पास गई, क्योंकि उनके पास जो तोता था वो तो दो ही भाषाएं बात जानता था या तीन भाषाएं, ये पक्षी तो अनेक भाषाएं जानता था। दे सेड दैट दे वर गोइंग टू बाई ए ग्रीन एंड येलो पैरट फॉर हर। और उन्होंने कहा कि वो आज बाजार जा रही हैं और आपके लिए एक हरे और पीले रंग का तोता लेकर आएंगी, यानी कि सितंबर के लिए। बट प्रिंस सितंबर थॉट इट वाज यूजलेस टू हैव ए पैरट व्हेन सी हैड सच ए ब्यूटीफुल सिंगिंग बर्ड। अब प्रिंस सितंबर ने सोचा कि इतना सुंदर पक्षी है और ये तोता लेकर आएगी, पहले उसे पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उससे तो ये बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए उसे तोते वोते की जरूरत नहीं है। द सिस्टर्स वर एपसेट। एपसेट का मतलब परेशान हो गई। और जो उसकी बहनें थी वो परेशान हो गई। परेशान इसलिए हो गई, उनको जलन हो गई कि प्रिंस सितंबर का जो छोटा सा पक्षी एक तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे गाने गाता है। दे एडवाइज्ड प्रिंस सितंबर टू पुट द लिटिल बर्ड इन टू द कैस, बट प्रिंसेस डिड नॉट लाइक इट। उन्होंने सलाह दी कि ये पक्षी आपका भाग जाएगा, जबकि पक्षी ने वादा किया था कि मुझे पिंजरे में ना रखें, मैं आपको अच्छे अच्छे गाने सुबह उठाने के बाद में आकाश में अपनी पसंद से घूम फिर कर अपने परिवार में जाकर फिर शाम को वापस आ जाऊँगा, रात को आपके पास रहूँगा, सुबह आपको अच्छे अच्छे भजन सुनाऊँगा, और लगातार कर रहा था। लेकिन उनकी बहनों ने जलन के कारण कहा कि इसको पिंजरे में डाल दे वरना ये यहाँ से चला जाएगा। बट प्रिंस डिड नॉट लाइक इट। लेकिन प्रिंस जो आपकी राजकुमारी सितंबर थी वो इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि पहले वाला तोता पिंजरे में मर गया था।
मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि एवरी वन वांट्स टू फ्रीडम, हर किसी को आज़ादी चाहिए। आप जानते हैं कि यदि आप घर में हैं, रोज़ाना रहते हैं, और एक बार यदि अचानक रूम में रह जाएं, बाहर से ताला लग जाए, और आपका 10 मिनट एक घंटा निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है कि अचानक चारों तरफ से बंद है, आप कुछ नहीं कर सकते। शेर जंगल का राजा है, यदि उसको चिड़िया घर में पिंजरे में बंद कर दे तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर, सृष्टि पर जितने भी प्राणी हैं, पक्षी भी आज़ादी चाहते हैं, उनका भी परिवार होता है, वो भी गाना गाना चाहते हैं, वो भी सुबह शाम भजन करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, और उन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको भी आज़ादी देनी चाहिए, चाहे वो हमारे पालतू हैं या किसी भी प्रकार के। तो सो दिस इज़ द स्टोरी, आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस इमेज में मिल जाएंगे, और स्टोरी को आपने रीड करना है। तो सो दैट हैव ए नाइस डे।